लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर ब्रज देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। ये चौपाई भगवान हनुमान को समर्पित है जिनमें उनके शरीर के लाल रंग और वज्र के समान बलवान होने का परिचय करवाया गया है। देश में अधिकतर हनुमान मंदिरों में भगवान का यही स्वरूप देखने को मिलता है, लेकिन राजधानी में बड़ी चौपड़ से नीचे चांदी की टकसाल पर काले हनुमान मंदिर है जहां भगवान की प्रतिमा काले रंग की है। जब ये यहाँ जयपुर बसा नहीं था, जंगल था, तो ये हनुमान लाल जी यहाँ स्वयं प्रकट हुए और हमारे पूर्वज जो हैं उनमें से एक हमारे दादा परदादा जो भी थे वो अपने परिवार से बिछुड़ करके और यहाँ आ गए और आकर के, और उन्होंने यहाँ जब देखा जंगल में तो यहाँ पास में एक कुआ है, हनुमान लाल जी के पीछे एक कुआ है, तो उन्होंने जैसे जल पीने के लिए उस कुएं पे वो पधारे, तो उन्होंने जब देखा तो हनुमान लाल जी का विग्रह जो है वो मस्तिष्क तक बाहर निकला हुआ था, तो उन्होंने उत्साहित होकर के और वहाँ थोड़ी और मिट्टी हटाई तो ये विग्रह प्रकट हुआ, तो तब से वो यहीं साधना करने लगे और यहीं भक्ति पूजन में लग गए। तो ये तो पुराना इतिहास है। उसके बाद जब जयपुर की बसावट हुई, पहले आमेर था, जयपुर की जब बसावट हुई तो फिर जब राजा महाराजाओं का समय आया और यहाँ जब जयपुर की बसावट हुई तब फिर धीरे धीरे जो है इस स्थान का यहाँ पर जो है निर्माण हुआ और धीरे धीरे करके इसमें दिनों दिन जो है जैसे जैसे निर्माण आगे कार्य बढ़ता गया वैसे वैसे आज ये विशाल और भव्य जो स्वरूप है इस भवन का ये धीरे धीरे समय पा करके आगे बढ़ता गया। यहाँ हनुमान जी महाराज के अनूठे स्वरूप के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के साथ साथ देसी और विदेशी पर्यटक भी हर दिन सैकड़ों की संख्या में यहाँ जमा होते हैं। मंदिर महंत गोपाल दास महाराज बताते हैं कि हनुमान जी का विग्रह काला होने के पीछे कई पौराणिक मान्यताएं हैं। उनमें से एक के मुताबिक भगवान हनुमान सूर्य नारायण के शिष्य थे। जब उनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई तब सूर्य नारायण ने हनुमान जी से गुरु दक्षिणा मांगी। इस पर जब हनुमान जी ने असमर्थता प्रकट की तो सूर्य नारायण उनके पुत्र शनि महाराज को ढूंढ कर लाने को गुरु दक्षिणा बताया। ऐसे में हनुमान जी शनि देव को ढूंढने के लिए निकले और अपने गुरु की आज्ञा को पूर्ण किया। तो हनुमान लाल जी जो है जब शनि देव की खोज में निकले और शनि देव उनको जब मिले तो शनि देव जो है बड़े कुपित थे। हनुमान लाल जी ने उनको कहा चलो हमारे साथ, बोले नहीं चलेंगे। तो इस तरह जो है आपस में एक दूसरे को वाक युद्ध हुआ। उसके पश्चात जो है वो शनि देव को बताया कि देखो इस तरह से हम आपके पिताजी के शिष्य हैं और आपके पिताजी ने गुरु दक्षिणा में हमसे ये मांगा है कि आपको हम खोज करके लाएं, तो इसलिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो एक बार उन्होंने जिद की नहीं चलेंगे और वो क्रोधित हुए तो उससे उनके कहते हैं जो आँख में क्रोधित की ज्वाला थी उससे हनुमान लाल जी का शाह कलर हो गया, जिसको काला रंग कहते हैं अपन। ये काले हनुमान जी का इतिहास। राजधानी स्थापत्य के वास्तुशिल्प वाले इस मंदिर का बाहरी स्वरूप भी मनमोहक है। मंदिर की दो मंजिला इमारत महल जैसे दिखाई देती है। हनुमान जी के मंडप में राम जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। यहाँ कई बॉलीवुड सितारों का भी आना जाना लगा रहता है। ईटीवी भारत के लिए जयपुर से अंकुर जाखड़ की रिपोर्ट।